सब्सक्राइब करें आजाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस बात पर हमेशा से बहस चलती आई है कि भूत होते हैं या नहीं होते, या केवल कल्पनाएं ही होती हैं। तो दोस्तों, आपने भी ज़िंदगी में एक ना एक बार ये ज़रूर सोचा होगा कि ऐसा होता है, क्या भूत होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों, आज मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये भी बात मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, पर पहले मैंने भानगढ़ के बारे में बताया था। आज दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत, आप देख रहे हैं आज़ाद इंडिया। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है, केरल में स्थित एक गांव है कंठीमुरा। तो दोस्तों, वहीं की ये घटना है। वहां पर एक जगह है जो पहले होटल था, अब वो होटल नहीं है। अब दोस्तों, वो एक वीराना है। क्यों कहा जाता है, वहां पे एक बार आग लग गई थी जिसमें पूरा का पूरा होटल जल गया था। अब होटल स्टाफ के लोग भी काफ़ी लोग जख्मी हुए थे और काफ़ी लोग मर गए थे। दोस्तों, उस जगह का रिकॉर्ड है कि जो भी वहां पे जाता है वो मर के ही वापस आता है, वो जिंदा वापस नहीं आ पाता, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि वहाँ पर और भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर लोगों की रक्षा करती हैं, जो लोग अच्छे लोग थे, जो लोग मरने के बाद भी अच्छी आत्मा में परिवर्तित हुए, वो लोग वहाँ पर जाने से रोकते भी हैं। पर जो लोग हठी होते हैं, जिन लोगों को हमारे जैसे होते हैं, जो एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं उस जगह को, वो लोग वहाँ पर जाते हैं पर वहाँ से वापस नहीं आ पाते। कई लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि वो लोग मरे जा चुके हैं, अब वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं। और दोस्तों, केवल यही नहीं, वहाँ पर कहा जाता है कि रात में वो होटल चलता भी है। चलने से मेरा मतलब जगह पर नहीं चलता है, चलने से मेरा मतलब है वो जगह जो है मतलब वैसी ही बन जाती है जैसी वो पहले थी आग लगने से पहले। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर विजिटर्स आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ, इस बारे में कोई भी पुष्टिकरण नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ पर रात में जाता ही नहीं है। कहा जाता है अगर कोई वहाँ पर रात में जाता है और इस बात को जानता है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, ये घटनाक्रम वहाँ पर हुआ है, तो वो जिंदा वापस नहीं आ पाता, वो मर कर ही वापस आता है। वहाँ पर दुष्ट शक्तियों के साथ साथ में अच्छी शक्तियाँ भी हैं जो वहाँ पर लोगों को जाने से रोकती हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, हटी होते हैं, उन लोगों को यही लगता है कि मैं इस जगह पर जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, या मैं इस जगह पर जाऊँगा और इस जगह को एक्सपोज कर दूँगा, उन लोगों के साथ में मृत्यु ही होती है उन लोगों का, और कुछ नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर आपका साथ रहा तो हो सकता है शायद मैं भी वहाँ पे जाऊँ। हाँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा जैसे आप सोच रहे हैं पूरी रात के लिए, मैं कुछ समय के लिए दिन में ही आपको उस जगह के दर्शन करा दूँगा या दिखा दूँगा वो जगह कि कैसी है वो जगह। दोस्तों, ये थी कुछ हॉन्टेड कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।